बांदा में प्रशासन भले ही सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पूरी तरह लागू होने का डमरू बजा रहा हो, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री के सपने को प्रधान और सचिव पलीता लगाने में लगे हुए हैं। एक ऐसा ही मामला महुआ ब्लॉक के ग्राम राजा राम पुरवा का एक पीड़ित परिवार जिलाधिकारी से गुहार लगाने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा, जहां उन्होंने बताया कि हम लोगों को एक झोपड़ी में गुजारा करना पड़ रहा है, रहने के लिए कोई मकान नहीं है, बरसात में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वहीं ठंडी के सीजन में ठिठुर कर जीवन यापन करना पड़ता है। प्रधान से कई बार कहा, पर पैसे की लालच में वहां में सरकारी योजनाओं का लाभ देने से साफ मना कर रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा भारती नाम है। किस गांव से आए हैं? महुआ से। महुआ से क्या समस्या लेकर के आए हैं आप? हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए, झोपड़ी पट्टी में रहती है, पानी बरसात होती है तो हमें हल हल के जाना पड़ता है। अच्छा, प्रधान से आप लोगों ने कहा? प्रधान नहीं सुनता हम लोग। क्या कहता है प्रधान? क्या कहता है प्रधान? कहता है हम इस गांव में विकास नहीं। अच्छा, तो इसके पहले क्या कहता है और क्या कहता है? क्या पैसे वैसे की मांग करता है क्या? हाँ, जैसे कहे लेटरिंग आई है, लेटरिंग दिया है सबको, उनमें से मांगता है 2,000-2,000 रुपये। अच्छा, आप लोगों से पैसा मांगता है।